हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का मौजू है टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो कि हमारे इस टाइम नेशनल ही नहीं, यानी कि कौमी ही नहीं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन चुकी हुई है। आज की वीडियो बनाने का मकसद इस टॉपिक के ऊपर इसलिए भी था क्योंकि हम जो रोज़मर्रा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनके अंदर उनमें से 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम कोई ऐसी ख़ास नहीं होती जिसकी वजह से वो हमारे पास आए हुए होते हैं। मेन रीज़न उनकी डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, जो वो किसी भी वजह से ले लेते हैं। और जब ये मसला उनका बढ़ते बढ़ते फिर उनके सबसे जो मेन हिस्सा है हमारी बॉडी का, स्टमक, इसको जाके वो डिस्टर्ब करता है। और जब आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो भी कमज़ोर पड़ता जाएगा। फिर ये शुगर, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये मेन रीजंस हैं जो कि उस पे समझ लें कि सोने पे सुहागे वाला काम कर रही होती हैं कि उसको मज़ीद इंक्रीज़ कर देती हैं। तो आज ये वीडियो बनाने का जो मकसद है कि हम नेचुरली विदाउट मेडिकेशन किस तरीके से अपना इस टेंशन को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं घर पे ही रहते हुए नेचुरली। नेचुरल ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आप लोगों को आज बताने लगा हूँ, वो आप लोग एक्सरसाइजेज घर पे करें जिनके साथ भी इस तरह के इश्यूज हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह का, स्ट्रेस का, तो वो इंशाल्लाह ताला वो रिलीफ मिल जाएगा उनको इन सिंपल दो एक्सरसाइजेस से। एक तो ये बात समझ लें कि जब भी कोई ऐसी टेंशन वाली खबर मिलती है, कोई ऐसी कोई बात होती है, तो सबसे पहले तो स्टमक पे असर होता है और साथ ही हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर हराम मगज है, हमारे न्यूरॉन्स हैं जो हमें सिग्नल्स दे रहे होते हैं ब्रेन की तरफ, उनके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। सारे समझ लें हमारी टेंशन जो है वो रीढ़ की हड्डी में इकट्ठी हुई होती है, तो यकदम आप उन लोगों को देखेंगे वो आगे की जानब ऐसे झुक जाएंगे, ठीक है। तो उसमें हमारे फीमेल काफ़ी सारी ऐसी हैं जिनके साथ ये इश्यूज हैं, फिर वो इस तरह के मसाइल में रह रह के फिर उनके कंधे भी झुक गए, पोस्चर भी ख़राब हो गया। तो हमने इस अपनी एक्सरसाइज के अंदर टेंशन भी अपनी रिलीज़ करनी है, डिप्रेशन को भी ख़त्म करना है, अपना जो स्ट्रेस है उस लेवल को भी कम करना है और अपने पोस्चर को भी ठीक करना है। तो आम किसी भी आप पुरसकून जगह पे, पुरसकून कोने में, घर के कहीं पे भी बैठ जाएं, रिलैक्स होकर जहाँ बैठ सकते हैं बैठे बैठे। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं, तो सिंपल ये अपने हाथों को इस तरीके से करके हम सर के ऊपर ले जाएंगे, ठीक हो गया, और ऊपर की तरफ देखेंगे, अब हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी सीधी हो गई, हाथ भी ऊपर की जानब हुए हैं, सर भी हमारा ऊपर की जानब हुआ हुआ है। और अब हमने गहरी ऐसे नाक से सांस लेते हुए ऐसे राइट घूम जाना है, वापस सांस, फिर लेफ्ट को घूम जाना है, सांस छोड़ देना, फिर सांस लेंगे, सांस अंदर, सांस बाहर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो इस तरीके से हमने
आप जब जो न्यू कमर्स होते हैं जिन्होंने नई करनी है एक्सरसाइज, तो वो स्टार्ट में थोड़ा थोड़े से आगाज लें, 2-2 मिनट कर लें, 1-1 मिनट कर लें, उससे भी कम हो सकता है उतना कर लें। तो एक तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी कि हाथों दोनों को हमने बांध के इस तरीके से सर के ऊपर ले जाके ऊपर की जानब देखते हुए, ताकि हमारा पोस्चर सारा रीढ़ की हड्डी भी वो स्ट्रेट हो जाए, और फिर उसी तरह नाक से सांस लेते हुए वापस। तो ये वाली हमने एक्टिविटी करनी है, 5 मिनट कर लें आप आगाज में, 1 मिनट के लिए कर लें, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लें, बढ़ाते जाएं फिर इसको। ये टोटल आपने 10 मिनट की एक्टिविटी करनी है रूटीन में, सुबह दोपहर शाम 2-3 सेशन अगर आपके लग गए, आपसे टेंशन दूर भाग जाएगी, आप अपने अंदर एक नई जिंदगी महसूस करेंगे। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपने ये राइट थंब जो है हमारा अंगूठा, इसको हमने अपने राइट वाला जो ये नाक का रास्ता है, नाक के इसके नथने को हमने ऐसे बंद कर लेना है, ठीक हो गया, इसको बंद कर लेंगे, और लेफ्ट वाली साइड से इसे हमने सांस को अंदर खींचना है, पोस्चर सीधा, कमर सीधी, और फिर हमने इन दो फिंगर से लेफ्ट वाली साइड को बंद कर लेना है, लेफ्ट को हमने छोड़ देना है, और इससे अब वो सांस बाहर निकाल देंगे। अब फिर उसी तरह नोज से, राइट वाले नोज से दोबारा अंदर सांस खींचेंगे और इसको बंद कर लेंगे, और लेफ्ट वाले से सांस छोड़ देंगे। तो ये एक मोमेंटम बन जाएगा। अब फिर लेफ्ट वाले से हम सांस खींचेंगे, उसको बंद कर लेंगे, और राइट वाले को खोल के उससे सांस को हम बाहर निकाल देंगे। राइट वाले से सांस अंदर, अब इसको बांध अंगूठे से, और लेफ्ट वाले से सांस बाहर। तो ये मोमेंटम चलता रहेगा, और इसी तरीके से आपने ये 5-5 मिनट आप अपने अंदर एक नई जैसे समझे रूह फूंक दी जाएगी आपके अंदर, आप तरोताजगी महसूस करेंगे, अपने अंदर फ्रेशनेस महसूस करेंगे, आपकी जो ये स्टमक के इश्यूज हैं, ब्रेन के इश्यूज बन गए हैं, आपके पोस्चर के इश्यूज बन गए हैं, कंधे आगे कुछ झुक गए हैं, हर वक्त आप टेंशन में रहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हफ्ता, 10 दिन, 15 महीने के अंदर अंदर आप लोग अपने अंदर एक नई जिंदगी महसूस करेंगे। तो इस वीडियो को ऐसे जो भी आप लोगों के जानने वाले हैं जिन लोगों के साथ टेंशन, एंगजाइटी, डिप्रेशन के मसाइल हैं, उन लोगों तक इनको शेयर करें सदका जारिया समझते हुए, ताकि जहाँ तक ये एक अवेयरनेस का पैगाम है पहुँच सकता है, उन लोगों का घर में बैठे बिठाए भला हो। और भाई को दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसे ही घरेलू माहौल वाली एक्सरसाइजेज और टिप्स मैं लेके आता रहूँगा, ताकि आप लोग एक हेल्दी लाइफ जिए, जिंदगी और सेहत आपके अपने हाथ में है, आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, अपनी सेहत को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे संभालते हैं, इन ये जो जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, ये नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो कि आप बगैर कोई केमिकली प्रोडक्ट्स लिए हुए आप इन एक्सरसाइजेज के ज़रिए अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, जवान रख सकते हैं, अपने मैदे को, स्टमक को बिल्कुल हशाश पशाश रख सकते हैं, अपने जोड़ों को, अपने पट्ठों को, अपने पोस्चर को, अपने ब्रेन को बेहतरीन रख सकते हैं आप। तो इन एक्सरसाइजेज को, इन रेमेडीज़ को देखते रहें, इन पे अमल करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।